राम राम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे भारत के पुरस्कारों के संदर्भ में। भारत रत्न देखें साहब, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। क्षेत्र देखें, कला, साहित्य, विज्ञान, असाधारण सेवा और खेल। खेल को 2011 में जोड़ा गया। शुरुआत हुई 1954 में, तीन व्यक्तियों को दिया 1954 में, राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन। जिसमें पहले जो व्यक्ति थे वो थे सी राजगोपालाचारी। कोई धनराशि नहीं दी जाती है। 1977 से 80 के मध्य स्थगित रहा। 5 महिलाओं को दिया जा चुका है अब तक। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एम एस सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर। प्रथम महिला है इंदिरा गांधी को दिया गया 1972 में। और दो विदेशी है इनको दिया गया, जिसमें अब्दुल गफार खान है प्रथम और नेल्सन मंडेला है दूसरे। और अब अपन बात करें, तीन वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। वर्तमान तक 45 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 45वें व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी और पहले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। अच्छा जी, मरणोपरांत पहली बार दिया गया, ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 में पहली बार शुरुआत हुई। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और देविका रानी को पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 में शुरुआत, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी शंकर गुरु को पहली बार दिया गया। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 में शुरुआत, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, कबीर सम्मान सद्भावना के क्षेत्र में, ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर उपलब्धि प्राप्त करने हेतु दिया जाता है, 5 लाख रुपए। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है 1985 में शुरू, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेलों के संदर्भ में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 1961 में शुरू, 5 लाख रुपए। राजीव गांधी खेलों में सराहनीय प्रदर्शन 1992 में शुरू, 7.5 लाख रुपए। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 में शुरुआत। बोरलो पुरस्कार कृषि की पैदावार में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने पर 1973 में। बीसी राय चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण भारत के और राष्ट्रीय पुरस्कार थे। इसके बाद में अपन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।